सो ट्रेन आ रही है और हम अब ट्रेन पे जा रहे हैं। तो ट्रेन पे कोई नहीं है, तो कमरा बहुत ही मतलब सारे कमरे बंद ही है और देखते हैं कहाँ बैठते हैं। चलो वही सामने वही और आज का जो वीडियो है वो शुरू होता है ट्रेन से, क्योंकि मैं आज हूँ ट्रेन पे और जा रहा हूँ आज एग्ज़ाम देने के लिए। गुजरात मेरा एक एग्ज़ाम है, तो ये पेपर जो पिछले 2 महीने पहले हुआ था, तो तब ये पेपर जो है मुझे छूट गया था। तो आज जा रहा हूँ पेपर देने के लिए और मैं जब स्टेशन पे आया था तो सोचा था वीडियो बनाऊंगा बट नहीं बनाया, क्योंकि बहुत नींद आ रही थी। तो ट्रेन पे चढ़ के कुछ टाइम सो गया था और अब सो के उठा हूँ और बना रहा हूँ वीडियो और मिलते हैं आपसे। और ट्रेन अब जो है खड़ी हुई है, तो बाहर हो रहा है पूरा से बारिश भी, आप देख सकते हो। बाहर पूरे जोर से बारिश हो रहा है, तो मिलते हैं आपसे। आप बेसिकली आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हो, वो है बाबानगर स्टेशन का बोर्ड और मैं आया हूँ यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए। सो बोर्ड वहाँ पर है और मैं अब जा रहा हूँ स्कूल की तरफ, क्योंकि 10 बजे से एग्ज़ाम मतलब स्टार्ट होने वाला है, बट अब पक्का 10 ही बज चुके हैं। सो जल्दी जल्दी चलते हैं और मिलते हैं आपसे एग्ज़ाम देने के बाद। हाँ, सो एग्ज़ाम देने में हमें एक 1.5 घंटा तो लगेगा, सो 1.5 घंटे बाद एग्ज़ाम ख़त्म करके मिलते हैं आपसे। सो अब हम जा रहे हैं स्कूल की तरफ और सामने स्कूल है, वो देखो स्टूडेंट आ रहे हैं और ये रहा सामने स्कूल का गेट, मैं आपको दिखा देता हूँ। और अब ऊपर दिखाता हूँ, वो देखो भावनाट उच्च विद्यालय ये। अब हम जो है स्कूल पे आ चुके हैं और स्टूडेंट जो है वो लोग कुछ कुछ आए हैं, कुछ कुछ नहीं आए, और स्कूल का एक बार आपको नज़ारा दिखा देता हूँ कि कैसा है। सो बट इससे पहले ये एग्ज़ाम जो हुआ था तब मैंने पेपर जो है छोड़ दिया था, तो उसके वजह से पेपर मतलब 2 टाइम होता है, 2 बार होता है पेपर। सो पहली बार पेपर छूट गया था और दूसरी बार अब जो है मैं मतलब एग्ज़ाम देने आया हूँ। अगर ये इस बार अगर एग्ज़ाम नहीं दिया तो भाई बेकार बेकार पैसा बर्बाद, फेल और कुछ नहीं मिलेगा। सो देने आया हूँ पेपर, अब तक तो स्कूल में ब्लॉग बना ही रहा हूँ और देखते कौन सी क्लास है, और क्लास में जाके तो वीडियो नहीं बनेगा क्योंकि भाई एग्ज़ाम समझ ही रहे हो। सो क्या होगा मुझे भी टेंशन है, क्योंकि पूरा साल हमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, कि बुक भी खोला तक नहीं है। सो क्या लिखूंगा मुझे भी नहीं पता। सो देखते हैं और मिलते हैं आपसे एग्ज़ाम के बाद। चलो सो अब जो है हम पहुँच चुके हैं क्लासरूम, और क्लासरूम में अब तक कोई स्टूडेंट नहीं आया, सब लोग घूम रहे हैं। सो देख सकते हो क्लासरूम बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर जो है अब तक कोई नहीं आया, पता नहीं कैसे मतलब एग्ज़ाम होने वाला है, क्या होने वाला है। सो देखते हैं और भाई क्या होने वाला है, कोई नहीं है रूम पे। सो बेसिकली क्या होगा मुझे भी नहीं पता, देखते हैं। और हमारा जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है ख़त्म। सो अब हम जो स्कूल से निकल के अब आ चुके स्टेशन पर और यहाँ से
टिकट लेके जाने वाले हैं अब। सो पीछे करी लिए ट्रेन और टिकट लेते हैं और मिलते हैं हमसे ट्रेन पर। ये रहा टिकट काउंटर। सो यहाँ से टिकट लेते के